स्टूडेंट वेरी गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम था लूपिंग स्टेटमेंट्स, इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पहला पार्ट है इसका, विच स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या है, लेट। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड है, विच स्टेटमेंट रिड्यूस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोग्राम की लंबाई को कम करता है, तो इसका आंसर सी, जो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा है, विच वैल्यू इज ऑप्शनल एंड कैन आइदर बी पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसका आंसर क्या है, स्टेप। ठीक है, फोर्थ है, विच स्टेटमेंट बाई डिफॉल्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल बाई 1, तो इसका आंसर क्या है, नेक्स्ट। ठीक है, कह रहे हैं इसमें से कौन सा स्वयं अपने आप में एक वेरिएबल की वैल्यू को प्लस वन कर देता है, ठीक, तो इसका आंसर क्या है, नेक्स्ट। ओके, अब इसका पांचवा जो पार्ट है वो क्या है, विच ऑफ दिस इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफिक कंडीशन इन फॉल्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एग्जीक्यूट होगा तब तक जब तक कि किसी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, तो आंसर क्या है, डू अनटिल लूप। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट में क्या है, ए लूप इज यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, दूसरा है, दी फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज व्हेन यू वांट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, थर्ड वन है, ए काउंटर इज ए वेरिएबल डेट कंट्रोल्स एंड काउंट्स द इटेशन ऑफ ए लूप इन ए प्रोग्राम। कह रहे हैं एक काउंटर जो होता है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कंट्रोल भी करता है और काउंट यानी कि गिनतियाँ भी करता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट किया जाता है। फोर्थ है, दी फॉर नेक्स्ट विच लाइज आउटसाइड और एनक्लोज दी सेकेंड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन आउटर लूप। नेक्स्ट है, दी डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। पहला है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट है, स्टेप वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर स्टेप वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है तो ये आंसर क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो आंसर पहले में क्या है, फॉल्स है। दूसरा है, बैंड स्टेटमेंट इज यूज्ड विद फॉर स्टेटमेंट। कहना बैंड का जो स्टेटमेंट होता है वो फॉर स्टेटमेंट के साथ में यूज़ होता है, तो ये आंसर क्या है, फॉल्स। तीसरा है, डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन इज फॉल्स, तो ये भी आंसर क्या है, फॉल्स है। फोर्थ में, एग्जिट फॉर स्टेटमेंट यूज्ड इन दी फॉर नेक्स्ट लूप, तो ये आंसर ही फॉल्स है। नेक्स्ट, रिटर्न स्टेटमेंट कंटिन्यूस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर द प्रीवियस गोस ऑफ स्टेटमेंट, तो ये ट्रू है। और सिक्स वन है, द एग्जिट स्टेटमेंट एनेबल यू टू जंप ए सर्टेन पोजीशन इन द प्रोग्राम, तो ये आंसर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज डी स्टूडेंट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।